हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। सो आरपीएससी ने जो है बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की जो है वो जारी कर दी थी 20 तारीख को ही। तो हम देखेंगे की मैच करेंगे अपनी। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हेनले लूप जो है वो मेंटेन करता है हाई ऑस्मोरेगुलरिटी। डिस्टल जो है सीटी, ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेंटेन करती है पीएच। ये बिल्कुल सही है। आरपीएससी ने जो है इसका आंसर गलत दिया है। तो इसका जो है एनसीईआरटी की बुक में भी जो है एक तो पीसीटी है और एक जो है कलेक्टिंग डक्ट, दोनों हेल्प करते हैं मेंटेनिंग पीएच में। सो दिस ये वाला क्वेश्चन जो है आरपीएससी का गलत है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें ये है एंजिया अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति। तो ये जो है करेक्ट मैच नहीं है। एंजिया जो है, सॉरी, इसमें जो है क्रिटिनिज्म जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से नहीं होता, वो हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है। तो ये जो है सही हो जाएगा, इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है वर्टिब्रेट जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, उनकी दो के बीच में पाया जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कोकोनट में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट। तो आभासी फल है सेब। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजों के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। ये सही नहीं है क्योंकि वो टिपिकल एम्ब्रियोस्पर्म के जो सैक होता है एट मेच्योरिटी वो 7 सेल का होता है, ना कि 6 सेल का, और 8 उसमें न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज कॉल्ड एज। तो इसे एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, यानी स्थानिक जो प्रजाति है वो होती है ये। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज जो है वो किसने दिया था सह लग्नता का। तो ये दिया था बेट्सर एंड पुनेट ने दिया था। नेक्स्ट है, जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे को FNPD द्वारा पीढ़ी संकर पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सेक्स जो है वो सेक्स क्रोमोजोम से डिटरमाइन होता है और फीमेल में जो है 22+XX होते हैं एंड मेल्स में जो है 22+XY होते हैं। तो 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स ये हमको मिलते हैं एंड इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ये डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन में सेक्स को, यानी जो लिंग है उसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपील्स जो है वो बेस्ट एग्जांपल है अडैप्टिव रेडिएशन रेडिएशन का, यानी अनुकूलित विकास का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो है वो करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण के द्वारा जो है वो नहीं रोकी जा सकती है अमीबॉइसिस। नेक्स्ट है, हीमोजोइन ए टॉक्सिन इज रिलीज इन द ब्लड आफ्टर रैप्चर ऑफ RBC इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो किस में होता है ये जो है मलेरिया में होता है जब RBC फट जाता है और तब ये जो है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है, ऑन्कोजेनिक वायरस जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो ये कैंसर। नेक्स्ट है, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो मृत जो जानवर या पौधे हैं उन पर जो उनका भक्षण करते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट है, द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ओशन इकोसिस्टम इज जनरली। तो जो बायोमास का पिरामिड है ओशन में वो इन्वर्टेड रहेगा जनरली। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर कॉल्ड एज। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है,
Under stressful conditions, many plankton, zooplankton species in lakes and ponds are known to enter in a stage of suspended development. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायपॉज या क्रिया शैथिलता. नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है? तो ये एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतः अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत है. नेक्स्ट है, ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवं पाद ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये एलन का नियम है, ये एलन का रूल. सो वो ये अडेप्टेशन जोन में हीट लॉस को रोकने के लिए होता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर में जो है प्लांट्स करते हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? तो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है. रॉक्स आर नेचुरल रिजर्वर्स ऑफ फॉस्फोरस, बिल्कुल सही है. पाइनियर स्पीशीज जो है इन्वेड करती हैं बेयर एरिया में, ये भी बिल्कुल सही है. सबसे पहले वही आती हैं इसलिए उन्हें हम पाइनियर स्पीशीज कहते हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी डजंट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ये गलत है. और ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज है, तो ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट है, जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियाँ शरीर में प्रवेश कराई जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन. तो ये सही है कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन होता है, जिसमें हम जो पैथोजन होता है उसकी इनएक्टिव स्टेज ये वैक्सीनेशन के थ्रू जो है हासिल की जाती है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कि कोरल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटीज? तो ये है रेप्टीलिया, इनके जो स्कल में छिद्र पाए जाते हैं. लेकिन इसमें जो पेरिपेटस है उसके भी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सो इसीलिए तो इसे जो है कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन एनलिड एंड आर्थ्रोपोडा. ये प्रिमेटिव आर्थ्रोपोड का ही जो है एग्जाम्पल है. सो ये क्वेश्चन भी जो है देखा जा सकता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कल कैविटीज? ये है रेप्टीलिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लास मैमिलिया? सो मैमिलिया के बारे में कि ऑल यूथीरियंस हैव एक्सटर्नल ईयर पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मेट विद विद इन अ किंगडम एनिमेलिया अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर. तो इनकरेक्ट पेयर है इसका ऑर्गन लेवल इन लीड्स. नेक्स्ट है, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड? सो प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो इलास्मोब्रैंक्स में पाई जाती है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर फैमिली रेनिनकुलेसी? तो ये क्वेश्चन जो है इसका इन्होंने माना है टेट्रामेरिस फ्लावर्स जो है इसका वो नहीं है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फैमिली एपीएसी? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल इसके जो है ऑप्शंस यहाँ पे है वो डाउटफुल दे रखे, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना ही था. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्ट्रिएसी फ्लावर? तो एस्ट्रिएसी का जो पुष्प है उसमें ओवरी जो है वो मल्टी लोक्यूलर एंड सुपीरियर नहीं होती है, वो ये एक ही सिंगल लोक्यूलर होती है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्लावर्स ऑफ फैमिली पोएसी? तो पोएसी के लिए क्या असत्य है? कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर एंड मल्टी लोक्यूलर होती है. ये ऑप्शन जो है फोर्थ इसका सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट? तो इंटरमीडिएट होस्ट किस में नहीं होता है? राउंड वर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज एज फूड बाई मैन? तो टेरिडो हो जाएगा इसका आंसर.
नेक्स्ट है करेक्टली मैच करना है हमको फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप से, तो इसका जो है इन्होंने दिया है फोर्थ, यानी वीट जो है ट्राइटिकम वल्गेर है, अश्वगंधा है, ब्रिटानिया सोमनीफेरा। सो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट है मैच हमको करना है ग्रुप वन को ग्रुप टू से, तो अब देखो ये भी बहुत ईजी सही था। तो टी जो है हमको मिलती है लीफ से, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। कॉटन मिलेगा हमें सीड कोट हेयर से, और कॉफ़ी है सीड से, और जो कोमीफोरा है ये रेजिन, इसे गॉन मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज़ नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, तो स्टोर्ड ग्रेन का नहीं है पायरेला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फिलेरियसिस इन मैन, तो ये होता है विचरेरिया से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में दो जोड़ा पाद उपस्थित हैं और शरीर बेलनाकार होता है, तो ये है मिलीपीड। नेक्स्ट है कैंथेराइडी नामक तेल निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाएगा ड्राइड इलेक्ट्रा ऑफ बीटल, बीटल के सुखाए गए पंखों से। नेक्स्ट है सामान्य उत्तकों को कोशिका संवर्धन हेतु विनियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाएगा कोलेजनेज के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ए वेक्टर इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए। नेक्स्ट है लैमिनर एयर फ्लो इज यूज फॉर, तो लैमिनर एयर फ्लो जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, वर्क स्पेस के जो एनवायरनमेंट है उसके स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली यूज फॉर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसैकेराइड्स हैं, तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2000 में, जबकि बन तो ये 86 में गया था। नेक्स्ट है व्हेन प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन अ रॉकी एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस टू ग्रो फर्स्ट, तो सबसे पहले उगेंगे लाइकेंस। नेक्स्ट गैस वॉज रिलीज इन इंडियन सिटी भोपाल इन द एनवायरमेंट कॉजिंग ग्रेट हेल्थ हैज़र्ड ऑन अ लार्ज स्केल, नेम ऑफ दिस गैस इज, तो ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस चक्र के से संबंधित है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट ऑफ द टैनरीज, तो ये चमड़ा उद्योगों से जो है हमें मिलता है क्रोमियम। नेक्स्ट है अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था, तो ये हमें दिया था हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ओबेलिया की पेरिसार्क है, तो ओबेलिया की जो पेरिसार्क होती है वो होती है काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, सो ये हो जाएगा सीरसैक। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेस्टीज आर प्रेजेंट इन एस्कैरिस, तो एक ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है फेरिटीमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो इसमें पाया जाएगा पोरफायरिन। नेक्स्ट है पेरिप्लेनेटा में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है, सो ये है इन द मिडगट। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड इन राना टिग्रिना आर, तो राना टिग्रिना में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट, सो रैबिट में राइट सिस्टमिक आर्क जो है वो एब्सेंट नहीं होती है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर नॉट एसोसिएटेड विद रैबिट्स आई, तो रैबिट की आई में जो है वो कॉपर्स ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमें एक समूह से दूसरे समूह को मिलाना है, और इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है द स्टेज व्हेन अ प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ द सरफेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस टेक्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला। नेक्स्ट है परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है,
सही क्रम हो जाएगा कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर क्लीवेज होगा, फिर मॉरुला ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुला, ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट है द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज, तो फ्रॉग टेडपोल की फंक्शनल किडनी जो है वो है मीजोनेफ्रोन्स. नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन विच डेवलप बिटवीन सेरोसा एंड एम्नियन ऑन थर्ड डे ऑफ इनक्यूबेशन इन चिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड, तो इसे एलेंटोइस कहते हैं. हमें प्लेसेंटा और एनिमल्स को मिलाना है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा डिस्कॉइडल का, हो जाएगा चिरोप्टेरा ए का हो जाएगा सेकंड, और ज्वेलरी डेसीडुएट का हो जाएगा कार्निवोर्स, कॉटिलिडनरी हो जाएगा डियर एंड डिफ्यूज हो जाएगा पिक का. नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट सेक्सुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये गलत है इसका, इन्होंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओनली लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड एज, तो इसे हम कहते हैं एपिनेस्टी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स का इफेक्ट कौन सा नहीं है, इनहिबिशन ऑफ कैमिल ग्रोथ. नेक्स्ट है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली, तो अपवर्ड ट्रांस जो लोकेशन है उसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. नेक्स्ट है विलयन का प्रसार परासरणी विभव पैदा होता है, तो ये होता है ऋणात्मक नेगेटिव. नेक्स्ट है द जेरोफिटिक सक्यूलेंट प्लांट इन विच CO2 इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड टू बी यूज ड्यूरिंग द डे टाइम इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं CAM प्लांट, CAM पादप. नेक्स्ट क्वेश्चन C3 और C4 पादपों में मुख्य कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा है, तो ये है रिबिस्को होता है C3 में और पेप होता है C4 में. नेक्स्ट है ग्लाइको ऑक्सलेट साइकिल इन प्लांट इज कन्वर्जन ऑफ, तो ग्लाइको ऑक्सलेट में क्या होता है कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है जिबरलिन आर नेम्ड आफ्टर, तो ये एक फंगस के नाम पे रखे गए थे जिब्रेला. नेक्स्ट है द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट. नेक्स्ट है अ सर्कल इन विच सेक्टर रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज, तो वो होता है पाई डायग्राम. नेक्स्ट है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट गिवन बिलो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.72 आता है, इसका पूरा प्रोसेस है करने का. नेक्स्ट है एवरेज, हमको यहाँ पे मीन हाइट पता करनी थी, तो इसका मीन हाइट का आंसर है 67.89. नेक्स्ट है नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित अवशोषित या परागमित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है, तो ये कहलाता है फोटोमेट्री. नेक्स्ट है अ टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटी टू अ स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है, तो ये लाइट सोर्स जो है वो इसका घटक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारे स्थिरीकृत किए गए एवं अभिरंजित किए बिना परीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो ये तकनीक जो है वो होती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट है इंडियन बाइसन और गौर इज आल्सो फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये म्यांमार में पाया जाता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला, सो माउंटेन गोरिल्ला के लिए है ये विरुंगा नेशनल पार्क कॉन्गो में.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो जैसलमेर और बाड़मेर, इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बायोस्फेयर रिजर्व, तो बायोस्फेयर एंटरटेनमेंट जोन जोन जो है इसका नहीं होगा. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है, तो ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता है, ये स्पेसिफिक होता है स्पीशीज का. नेक्स्ट है, ये सारे जो है मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ सेल वॉल, तो ये है माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बी एस सिक्स सेक्स ऑर्गन्स इन मॉसेस, तो मॉसेस में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लीफी स्टेज में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है, ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन, तो ब्रैकेट फंजाई जो है वो बेसिडोमाइसिटीज में इंक्लूडेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडीन स्टार्च, तो ये है रेड एल्गा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ही इक्विसिटम जो है वो मोनोकॉट नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म है इनकी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है. नेक्स्ट है, रक्तवाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, तो इनमें जो है चिकनी पेशियाँ पाई जाती है, स्मूथ मसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, सो करेक्टली मैच इसमें से बनियन ट्री, प्रॉप रूट्स इसमें पाई जाती हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ द प्लांट हैज़ लिग्निफाइड सेल वॉल्स, तो लिग्निफाइड सेल वॉल स्क्लेरेन्काइमा में मिलेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है ये डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट है, सिस्टमैटिक सिमेट्रिक फ्लावर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, तो ये ऑप्शन जो है देखो इसमें सिमेट्री जो है वो स्पेसिफिक नहीं पूछी है, ना तो एक्टिनोमॉर्फिक पूछी है ना जाइगोमॉर्फिक पूछी है. तो मस्टर्ड जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक शो करते हैं पी, और जो कैसिया है ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं, और कैसिया जो है वो कैना जो है वो एसिमेट्रिक होता है. तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत है 132 का. नेक्स्ट है, एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विथ, तो ये होती है मेनिकार्पस बट फ्री. नेक्स्ट है, सेक्यूलेंटम है, तो सेक्यूलेंटम क्या होता है, ये कॉटिलेडन ऑफ ग्रासेस है. नेक्स्ट है, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोजाइम्स आर, तो ये होते हैं हाइड्रोलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड. नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन, सो ये कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल में एब्सेंट होती है सेंट्रियोल्स. नेक्स्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, सो ये लिपिड्स के सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व रहती है. टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट आफ्टर डिविजन बिकॉज, तो ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो जाता है बाय फ्यूजन इंटू टू पार्ट्स. नेक्स्ट है, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो टर्मिनल जो है वो टीलोसेंट्रिक में पाया जाएगा. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, सो पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट इसमें से फ्रक्टोज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, सो इसमें देखो होमोथैलिक जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट पर जो दो है दोनों सेक्स प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल सही है इसका. देन हर्माफ्रोडाइट ये अर्थवर्म होता है, हेट्रोथैलिक यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, ये भी सही है, ए बी सी. देन पिस्टलेट जो है वो फीमेल फ्लावर होता है, और ये जो है मीनार्क जो है वो एंड नहीं होता, वो बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की. तो इसमें डी और ई जो है ऑप्शन होना चाहिए सही. तो ये भी जो है आरपीसी का गलत है, 143 का थ्री नहीं होगा, पिस्टलेट जो है वो मेल फ्लावर ही होंगे. सो ये जो है गलत है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर एट टेलोफेज. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
सो इसमें जो है एट्रियल वॉल्व जो है वो सिक्रीटिन का सिक्रीशन नहीं करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है हमको, तो इसका ये हो जाएगा कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस। सो बाइल जूस जो है क्या करता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पायरेशन इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब हर्ड ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल थ्रू स्टेथोस्कोप इज एसोसिएटेड विद, तो ये होती है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स का। नेक्स्ट है, शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड, तो ये HMS बीगल थी। सो ये जो है पेपर पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये तो RPSC का पेपर था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू और स्टे सेफ। ध्यान रखो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, घर में ही रहो, पढ़ाई करो। नमस्कार, RPSC ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब SSC की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, क्लिक ऑन पे यू मनी एंड पे ₹9 वाया मोड ऑफ योर चॉइस एंड एंजॉय द टेस्ट सीरीज फॉर 1 वीक।